स्नैप बाय सुरेंद्र पूछते हैं, क्या प्रेम में दर्द होना अनिवार्य है? जहां प्रेम है वहां पे जो है पेन या फिर कहें दर्द की जो संभावना है वहां पे हमेशा से रहती है। ऐसा कह लें कि पेन और प्लेजर जो है दोनों कहीं ना कहीं साथ में है। जितना गहरा प्रेम होता है वहां पे उतनी ही बड़ी संभावना जो है पेन की भी होती है। और जो व्यक्ति पेन से डर जाता है वो प्रेम भी नहीं कर पाता। जो दर्द से डर जाता है, जो दुख से डर जाता है, जो ये सोचता है कि अगर उसने जो है प्रेम किया तो उसको दुख मिलेगा, तो वो प्रेम भी नहीं कर पाएगा। प्रेम एक तरह का जोखिम है, एक तरह का आपको जीवन क्या है प्रेम जो है उसकी झलक देता है। तो इस चीज को थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है कि जब भी गहरा प्रेम होगा साथ में जो है उतना ही गहरा जो है पेन भी जो है हमारे अंदर घटना जो है घटती है। और मैं अक्सर एक ये बात बोलता हूं कि अगर आपका जो है अगर आप हार्ट ब्रेक से नहीं गुजरे हो, अगर आपका दिल नहीं टूटा है, अगर आप दुख से नहीं गुजरे हो, तो आपके अंदर मैच्योरिटी भी जो है वो नहीं घटती है। कि जैसे दुख से गुजरना जैसे जो है एक बहुत अनिवार्य है कि जब आप दुख से गुजरते हैं तो आपको जो है एक जीवन में क्लैरिटी मिलती है, जीवन में जो है एक समझ आती है, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो मैच्योरिटी है, वो पहली बार जो है आपके अंदर जो है एक मैच्योरिटी जो है घटना शुरू हो जाती है। तो मैं ये समझता हूं कि जब आप प्रेम की जब आपके साथ जो है घटना घट रही है, जब आपकी प्रेम की जो है आपके साथ जो है एक पॉसिबिलिटी बन रही है, अच्छे से जितना प्रेम कर सकते हैं उतना प्रेम करें, लेकिन भीतर ही भीतर जो है अपने अंदर एक चीज मान के चलें और अपने अंदर जो है स्वीकार भाव के लिए कर इसका स्वीकार भाव रखें कि ऐसा भी हो सकता है ये व्यक्ति जो है कल को तुम्हारी जिंदगी से चले जाए। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है, जीवन में जो भी लोग आपको मिल रहे हैं, जो भी आपके करीब हैं, एक दिन वो आपके करीब नहीं होंगे। तो पेन जो है बहुत अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम प्रेम करना बंद कर देंगे। प्रेम तो करेंगे, बस साथ में एक समझ आ जाएगी। बहुत लोग जो है प्रेम की वजह से जो है अपने आप को बंद कर लेते हैं। एक बारी हर्ट हो गए, एक बारी जो है दिल टूट गया, तो बस अपने आप को बंद कर लिया। अब डिसाइड कर लेते हैं अब कभी प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन प्रेम ना करने के कारण जो है जीवन की संभावना भी जो है खत्म हो जाती है। जीवन की जो समझ है, जीवन में जो प्रौढ़ता आ सकती है, जो मैच्योरिटी आ सकती है, वो भी खत्म हो जाती है। तो मैं ये समझता हूं कि जब प्रेम करने का मौका मिले तो प्रेम करें, और जब पेन की घटना घटे, जब दर्द की घटना घटे, जब दुख की घटना घटे, उसका भी जो है पूर्ण स्वीकार रखें। ये भी जो है आपको आगे जीवन में जो है बहुत आपको हेल्प करेगा, आपके अंदर मैच्योरिटी लेके आएगा।